प्राधिकरणों के लिए राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के चुनाव यह 20 नवंबर 2022 को हो रहे हैं और पिछले कई दशकों से विश्वविद्यालय के विभिन्न तत्वों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख संगठन युवा शिक्षक संघ, धर्म निरपेक्ष पैनल और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षक संगठन की संयुक्त महागाड़ी की ओर से वर्तमान चुनाव लड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके साथ कई विविध मुद्दों पर हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है विधायक अभिजीत वंजारी से। आइए डालते एक नज़र। विधायक अभिजीत वंजारी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी सीनेट के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले जिस तरह से विश्वविद्यालय में जो प्रकरण अभी सामने आया है उसके ऊपर आप क्या बताना चाहोगे? जिस तरह का प्रकरण है उससे जो नागपुर विश्वविद्यालय की प्रतिमा जो है वो भी कहीं ना कहीं मलिन होती दिखाई दे रही है। इसका एक कारण ये भी है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट 1994 था, वो एक्ट के माध्यम से पूरा डेमोक्रेटिक पैटर्न था और उसके माध्यम से सभी प्राधिकरणों पर अलग अलग इलेक्शन के माध्यम से लोग चुन के जाते थे, तो एक अच्छा वातावरण था। अभी 2016 में जो नया एक्ट आया है, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016, इसमें डेमोक्रेटिक पैटर्न को ख़त्म करने की उसमें साजिश की गई और जिसके कारण इलेक्शन से चुन के आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, नॉमिनेशन की संख्या बढ़ गई। जिनका नॉमिनेशन कुलगुरु के माध्यम से होता है उनको प्रशासन में या विद्यापीठ के कामकाज में कितना इंटरेस्ट होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए विद्यापीठ के प्रशासन पे किसी का धाक नहीं है और कहीं ना कहीं इसका विचार भी होना चाहिए और इसलिए इलेक्शन जिस पद्धति से अपने को लड़ना है, हम लोग सब ताकत से लड़ने वाले, अच्छे लोग जब तक नहीं जाएंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक के प्रशासन भी नहीं सुधरेगा और तब तक के इस प्रकार की घटनाओं का जब तक के खत्म नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से अभी चुनाव आने वाले सीनेट के, उसके लिए किस तरह की तैयारियां अभी शुरू है? यंग टीचर्स एसोसिएशन है, सेक्युलर पैनल है, अम्बेडकर टीचर्स एसोसिएशन है, उसके बाद में विद्यार्थी संग्राम परिषद है, ऐसे सभी सम विचारों के लोग हम लोग एक साथ आए हैं, सभी संगठनाएं पूरी ताकत के साथ में एक साथ आई है और सभी के सभी कैटेगरी में, फिर वो मैनेजमेंट का चुनाव हो, प्राचार्य का हो, टीचर्स का हो, पीजी टीचर्स का हो और पदवीधर का हो, ये सभी चुनाव में पूरी ताकत के साथ में हम लोग साथ में उतरे हैं। निश्चित रूप से 90% सीट्स हम लोग जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। कुछ ही दिनों पर जो है सीनेट चुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए महाविकास आघाड़ी जो है पूरी अपनी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरी है, ऐसा विधायक अभिजीत वंजारी द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।